कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यापारी के गोदाम से हुई चोरी का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने मात्र 24 घंटे के भीतर चोरी के माल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक चोरी की घटना में शामिल पलेदार 2 व्यापारी शामिल हैं जो चोरी के माल को खरीदते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अरविंद गुप्ता उर्फ बबलू पुत्र राजा राम गुप्ता निवासी मिर्जापुर निकट शिव मंदिर थाना कोतवाली, अनूप गुप्ता पुत्र स्वर्गीय भगवती प्रसाद गुप्ता निवासी हसनगंज मिर्जापुर थाना राजघाट तथा पलेदार पंचम यादव पुत्र स्वर्गीय बाके लाल यादव निवासी थाना पिपराइच के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की गई 3 बोरी इलायची, 1 बोरी जूट, 1 गत्ता लौंग जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए आकी गई है उसे बरामद किया है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, सर अरविंद और अनूप एक व्यापारी है, माल कहाँ ले गए थे? इसमें विशेष कर ये कि जो सीसीटीवी फुटेज था दिनांक 11/8/19 को श्री संजय कुमार बंसल जी हैं, किराना के थोक व्यापारी हैं। इनके यहाँ रात्रि में 10:11 की रात में इलायची, 1 बोरा इलायची, लौंग और इलायची लौंग और जूट ये 3 चीज़ें जो है, एक पंचम यादव करके पल्लेदार है उसने रात्रि में जो है इसके इनका वो गोदाम तोड़ करके खोल करके और इसको लेकर निकल करके लेकर चला गया। इन लोगों को मालूम नहीं था, ये लोग जब सूचना थाने पर दिए तो सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। खंगालने से ये मिला कि एक ठेलिया पर लाद करके ये जो पल्लेदार था वो ले जा करके ये अरविंद कुमार गुप्ता और अनूप कुमार गुप्ता को ये सामान दिया था। अरविंद कुमार ने लौंग के कुछ हिस्से को भेज दिया, शेष माल अनूप कुमार गुप्ता अपने कब्जे में रखे हुए थे, जिसे पुलिस ने परिश्रम करके पूरा का पूरा माल बरामद कर लिया है। मात्र जो माल बिका गया था, बेचा गया था, उसकी बरामदगी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। वो थोड़ा माल था, उसकी भी कीमत लगभग 40-50 हज़ार रुपये की थी, लेकिन वो फुटकर में बिक्री हुई थी इसलिए उसकी बरामदगी संभव नहीं हो पाई। ये SSP साहब, हमारे SP सिटी साहब और हमारी जो पुलिस है विशेषकर व्यापारियों के प्रकरण को संवेदनशीलता से देखती है और उसी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी सक्रियता बनाए रखी। कल बकरीद का त्यौहार था, उस बकरीद त्यौहार में व्यस्तता होने के बावजूद सायंकाल इस पर टीम काम कर रही थी। सारे CCTV फुटेज को खंगाला गया तो ठेलिया को ले जाते हुए उस मार्ग में देखा गया, उस गोदाम में भी देखा गया जो संबंधित लोगों का था। इनसे पूछताछ की गई और इनके निशानदेही पर बरामदगी हुई। करीब गिरफ्तारी आज हुई है और आज इनको पकड़ा गया है माल सहित और 6 लाख रुपए की करीब बरामदगी है। अनुज गुप्ता भी व्यापारी हैं और अरविंद गुप्ता भी व्यापारी हैं, ये सब फुटकर विक्रेता हैं जिन्होंने इनसे पंचम यादव से खरीदारी की थी। पल्लेदार की भी गिरफ्तारी हुई है, 3 गिरफ्तारी हो गई है, यही 3 लोग इस घटना से जुड़े हुए थे और इनके कब्जे से 6 लाख रुपए की इलायची, लौंग और जूट बरामद किया गया है।